पार्टी चोखा बनके तैयार है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरिता विलेज फूड में। आज हम बनाने वाले हैं बाटी चोखा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। ये हमने 4 बैंगन लिए हैं, ये लहसुन लिया है, ये हमने सिकर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 उबले हुए आलू, 3 टमाटर, 4 से 5 प्याज, हरा धनिया, बाटी बनाने के लिए आटा, ये हमने सत्तू बना के भून लिया था वो है। अब मसाले देखते हैं। ये हमने लिया है गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, जीरा, धनिया पाउडर, काला नमक, अजवाइन, सौंफ, मेथी दाने, हींग, और ये हमने घी लिया है, और ये सरसों का तेल। अब सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं बाटी का। इसमें मोहन लगाने के लिए डालेंगे हम घी। थोड़ा सा नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ना ज्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है और ना ही ज्यादा कड़ा, मीडियम का आटा लगाना है इसमें। ये देखिए आटा हमने लगा लिया है। इस तरह का हमें आटा लगाना है, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा नरम। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। ये हमने लहसुन काट लिया है, अदरक घिस लिया है, मिर्च भी काट ली है, प्याज भी काट लिया है, हरा धनिया भी काट लिया है। अब इसमें मिक्स करेंगे स्टफिंग में। ये हमने सत्तू लिया था, उसमें इसको डाल देंगे, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज। अब इसमें मसाले डालेंगे, नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सिरका, अब इसमें हम डालेंगे तेल, आप चाहे तेल की जगह पे घी यूज कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे हींग, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर दिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना पानी हमें डालना है इसका कि जो है बैटर अच्छे से बंध जाए इस तरह से स्टफिंग इसकी। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। ये देखिए इस तरह से बंध रहा है, इसे भी हम रख देते हैं साइड में। चारों तरफ साइड में चीरा लगा देंगे इस तरह से। अब इन्हें भूनेंगे। ये देखिए इस तरह से चीरा लगा देंगे। लगा दिया है। अब इसमें हम सरसों का तेल लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से सरसों का तेल लगा देंगे। तेल लगाने से बैंगन अच्छे से पक भी जाते हैं और इसकी स्किन निकालने में आसानी भी होती है। देखिए हमने तेल लगा दिया है, तेल हमने लगा दिया है। अब चलते हैं इन्हें भूनने के लिए। ये देखिए आग हमने जला दी थी पहले से ही, अच्छे से सुलग गई है। अब इसमें हम एक एक करके बैंगन रख देंगे। इसे में हम टमाटर भी भून लेंगे। इस तरह से हम लटते हुए पकाएंगे। ये
देखिए बीच बीच में पलटते रहेंगे। ये देखिए बैंगन हमारे पक गए हैं, ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। टमाटर भी हमारे पक गए हैं, देखिए इन्हें भी निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने सारे निकाल लिए हैं। अब ये हम ठंडे पानी में डाल के छील लेंगे। हम ले लिया है, इस तरह से टमाटर को साफ कर लेंगे। इसे हम दोबारा से पानी से धोएंगे ताकि रास्ता नहीं हट जाए। इसमें डाल देंगे, ये वाला भी छील लेंगे, इस तरह से साफ कर लेंगे। देखिए देखिए इस तरह से इसका छिलका उतार देंगे हम। एक बार बैंगन को धो देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमने सारा साफ कर लिया है, उसको हम काट देंगे इस तरह से। छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और अच्छे से मैश कर देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम आलू छील लेते हैं। हाथ से मैश करना चाहते हैं तो हाथ से मैश कर लीजिए, वरना कद्दूकस कर लीजिए। इस तरह से हम इसे मैश कर देंगे, बारीक बारीक काट लेंगे। ये अब लहसुन को भी छोटा छोटा काट लेते हैं। देखिए अब हम अदरक को घिस लेते हैं इसमें। देखिए हमने अदरक को भी घिस लिया है। फिर हम मसाले डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काला नमक, जीरा, सबको डाल के अच्छे से मैश कर देंगे। ऐसे ही इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें हम डालेंगे बैंगन और टमाटर, ये ठंडे हो चुके हैं, इसे डाल के अच्छे से मैश करेंगे। सीखा हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब बिल्कुल बारीक बारीक सा बना लेंगे इसे हम। ये देखिए चोखा हमने मैश कर लिया है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। हमने गैस ऑन कर दी है, गैस पे हमने थोड़ी सी छोटी सी कलछी रखी है, ये चिमची। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल सरसों का, इसे गर्म हो जाने देते हैं। गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाने, थोड़ी सी हींग, अजवाइन और थोड़ी सी सौंफ। इसे अच्छे से चटकने देते हैं। ये अच्छे से चटक गया है, अब इसे हम इस पर डाल देंगे। देखिए हमने चौके पर डाल दिया है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल के अच्छे से मैश कर देंगे। चोखा हमारा तैयार है और ये हमने टमाटर की चटनी बनाई है, ये भी तैयार है। अब हम बाटी बनाना स्टार्ट करेंगे। बाटी बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हम आटा लेंगे। एक बार अच्छे से मैश कर देंगे इस तरह से और इसके छोटे छोटे से डो बना लेंगे।
आप जिस तरह की बाटी चाहें उस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब एक लोई को हम हाथ में लेंगे इस तरह से राउंड करेंगे इस तरह से और एक कटोरी जैसा बना देंगे इसमें। देखिए इस तरह से हमने कटोरी बना ली है। अब ये जो हमने सत्तू की स्टफिंग बनाई थी वो इस तरह से लेंगे और इसमें अच्छे से दबा के भर देंगे। इसे इस तरह से गोल कर लेंगे हाथों की सहायता से और जितना एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल देंगे इस तरह से और इसे एक बार गोल कर देंगे इस तरह से। ये देखिए बाटी हमारी बन रही है। इसी तरह से सारी बाटियाँ बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारी बाटी बना के तैयार कर ली हैं। अब इन्हें पकाने के प्रोसेस पे चलते हैं। देखिए इस तरह से बीच में हम जगह बना लेंगे। और एक एक बाटी करके हम रख देंगे इस पे। ये देखिए इस तरह से हमने सारी बाटी सेट कर दी है। अब इन्हें अच्छे से पकने देते हैं। आप चाहें तो इस तरह से इसके ऊपर कंडी की आड़ भी रख सकते हैं। देखिए देखिए इस तरह से हमने रख दी है। अब इन्हें पकने देते हैं। बीच बीच में से चलाते रहेंगे, पलटते हुए पकाएंगे। पलटते हैं, ये देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक गई हैं। इस तरह से सारी बाटी निकाल लेंगे और पकाएंगे दूसरी साइड भी रख के इस तरह से। आप चाहें तो इसी में साइड में रख सकते हैं। ये देखिए देखिए इस तरह से हम फिर से पलट देंगे इन्हें। इस पे फिर से आग चढ़ा देंगे हम। ये देखिए बाटी हमारी बन के तैयार हैं। ये देखिए इनके पकने का एक इशारा होता है। ये देखिए ये बीच से चिटक जाएंगी इस तरह से, इसका मतलब ये पक गई हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। बस ये घुमा लेंगे, इसमें इस तरह से डालेंगे, इस तरह से इसे हिलाते हुए साफ कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से साफ हो गई है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरी भी साफ कर लेंगे। इसे थोड़ा सा दबा देंगे इस तरह से और घी लेंगे। इसे इस तरह से घी में लपेट देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए आपको एक तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए